नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो बिहार बोर्ड में एग्जामिनेशन था 22 तारीख को, ठीक है, तो सोशल साइंस का एग्जामिनेशन हुआ है और आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा आंसर हमारा सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। और ये बात आप समझ लीजिए कि बहुत सारे चैनल बनाते रहते हैं इस तरह का क्वेश्चन, तो आप हो सके तो उस पर बिलीव ना करें क्योंकि वो गलत भी बता देते हैं, ठीक है, जिससे आपका दिल भी टूट सकता है। तो हम जो भी बताएंगे पूरे अच्छे तरीके से रिसर्च करने के बाद ही बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, ओके। तो हम यहाँ पर देखें कि बहुत इजी क्वेश्चन जीके टाइप का क्वेश्चन आया है, इसीलिए हम ये वीडियो बना दे रहे हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो आपको यहाँ बताना है कि टाटा कंपनी का जो है ना, आयरन एंड स्टील कंपनी, उसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1907 में इसका स्थापना हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, बोला जा रहा है कि वेदों की और लौटो नारा किसने दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ओके। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो जिन्होंने ये किया हुआ है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस एक तरह का किताब है, वो किसने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लियो टॉल्स्टॉय, ओके। तो जिन्होंने ये करेक्ट किया है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जी, यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब होता है। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, कौन सा होता है, सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है ना। तो आगे समझ में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, आरसन में ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है चावल है, तो बहुत इजी है ये चीज़, खरीफ फसल है, ठीक है। तो जिन्होंने ए क्लिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। तो आप सब देख रहे हैं कि ये सब कृषि है तीनों ऑप्शन, बस एक ऑप्शन ऐसा है जो कृषि पर बिल्कुल भी आधारित नहीं है, कौन सा, सीमेंट, ठीक है। चलिए तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अब आगे बढ़ते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, पटना में तो आप रहते होंगे, कभी ना कभी पटना जू तो गए होंगे, ठीक है ना। तो पटना जू को हम लोग क्या कहते हैं, संजय गांधी उद्यान, ठीक है ना। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा डी पटना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, 1930 डांडी मार्च, जानते हैं ना महात्मा गांधी जो डांडी मार्च किए थे, ठीक है ना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आगे बढ़ते हैं, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, नीति आयोग, ठीक है, आगे समझ में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952, ओके, क्लियर है, आगे समझ में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर, धर्म पर होती है। आप देखते होंगे कि राजनेता लोग जो हैं सबसे ज़्यादा धर्म पर ही राजनीति करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिलीजियन, धर्म पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा संसाधन होता नहीं बनते हैं। तो बहुत फेमस एक राइटर हैं, ठीक है ना, उन्होंने यह बात कहा था, विदेशी हैं, कौन से हैं, जिमरमैन, ठीक है, जिमरमैन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 8 मार्च, बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी जिन्होंने ये किया हुआ है बिल्कुल उनका सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है।
ठीक है ना, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जिसको कहते हैं, तो ये हो जाएगा नवीकरणीय, ठीक है, इसका आंसर नवीकरणीय, रिन्यूएबल। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ओके तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड्स ऑर्गेनाइजेशन, जानते होंगे ये चीज, की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1995। ओके ए इज ए करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो कोयला तो है भाई प्राथमिक ऊर्जा, और पेट्रोलियम भी है, ठीक है ना, प्राकृतिक गैस भी है, बस एक नहीं है, कौन सा? कौन सा नहीं है दोस्तों? वो है विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। आगे सर में चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र है, ठीक है, आज के समय में उनका शासन प्रणाली चल रहा है लोकतंत्र, ठीक है, डेमोक्रेटिक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ठीक है ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते ही होंगे, कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। ओके तो ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट टू फ्रीडम। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सुनामी कहाँ आती है? ये भी बहुत इजी दोस्तों है, बहुत इजी, कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड में, समुद्र में, ठीक है, समुद्र तरफ ही ना आएगी सुनामी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का बात किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर। ओके चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन सा? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मोर, ठीक है, मोर जो है, पीकॉक इज ए करेक्ट आंसर। जिन्होंने ये किया है वो जीत गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी भाई? तो BJP जिसको कहते हैं हम लोग, राजनीतिक दल है, जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है ना, तो इसका जो स्थापना है वो हुआ था 1980 में, ठीक है, 1980 इज ए करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है कौन सा? यूरेनियम का सबसे ज़्यादा प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? ये हो जाएगा आपका जादूगोड़ा, जो कि झारखंड राज्य में है, ठीक है, यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है ना दोस्तों, बम इसी से बनता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा रेडियो, ठीक है। आर एस एन में कम्युनिकेशन का सबसे मोस्ट पॉपुलर कौन सा है साधन, कौन सा है? तो ये हो जाएगा रेडियो, रेडियो इज ए करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सोचिए, बिहार में ही हुए थे श्री गोविंद सिंह जी, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पटना। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था कहाँ पर? तो इसका जो आंसर है वो जर्मनी होगा, ठीक है, तो जिन्होंने जर्मनी किया हुआ है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो इसका जो आंसर है वो होगा 2005। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर के, ठीक है, मैसूर गए ना, साउथ में है, ठीक है, वहाँ के वो शासक थे टीपू सुल्तान। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये होगा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है उनका चिन्ह और क्या, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह जो है ना, कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है। ओके तो इसका जो आंसर है वो होगा सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो ये होगा व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक जो है क्या है, संस्थागत वित्त का साधन है, ठीक है, करेक्ट आंसर सी होगा।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ये आप लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं और फिल्म भी देखे होंगे जो कि अंग्रेज लोग मारता है और हम लोग के देशवासी जो पंजाबी लोग हैं वो कुआं में मर जाते हैं, सब कूद जाते हैं कुआं में, फिर बहुत बहुत लोग को अंग्रेज जो है मार देते हैं, देखे होंगे फिल्म में, ठीक है ना। तो उसी दिन हुआ था, कौन सा दिन में, ये दिन 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कोशी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, बिहार का शोक। ओके चलिए अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था? तो वहाँ पर क्या हुआ था कि खाद्य पदार्थ का जो है दाम बढ़ा दिया गया था, ठीक है। एक देश है बोलीविया, वहाँ पर खाद्य पदार्थ का दाम बढ़ा दिया गया था, इसीलिए जो है जन संघर्ष हुआ था। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू मतलब पिछड़ा राज्य, तो बिहार है या मध्य प्रदेश, ओडिशा, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी राज्य जो है वो बीमारू राज्य के कैटेगरी में आता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्या क्वेश्चन है, हाँ 37 नंबर, ओके 37 ही है ना। तो 37 नंबर में बोला जा रहा है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नीला ग्रह, ठीक है, ब्लू प्लैनेट इज ए करेक्ट आंसर बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 37 हो गया था ना, ओके। अब यह देखिए 38 नंबर, 38 में क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया था, ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? ठीक है, तो मंदिर जो है अंगकुरवाट, ये कौन से राजा जो है बनवाए थे? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय टू, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर, सूर्यवर्मन टू। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है? तो किसने कहा, तो वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है ना, और लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को आए हैं पहली बार चैनल पर तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, इसी तरह का वीडियोस आते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और कल साइंस का भी आएगा दोस्तों, इसी तरह से एकदम 100% सही क्वेश्चन, तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जय हिंद, वंदे मातरम।